दिल्ली शराब घोटाला केस में मनीष सिसोदिया, संजय सिंह के बाद अब अरविंद केजरीवाल का भी नाम जुड़ता दिख रहा है। दिल्ली अबकारी नीति केस की जांच की आंच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंच गई है और अब ईडी ने समन जारी कर दिया है। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए 2 नवम्बर को तलब किया है। इससे पहले इसी मामले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल में बंद हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को PMLA यानी धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत समन जारी किया गया है और सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के मामले में जांच अधिकारी के सामने पेश होने के बाद एजेंसी मुख्यमंत्री का बयान दर्ज करेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ऐसे वक्त में ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है जब आज ही यानी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया को झटका दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 2 अलग अलग जमानत उनकी याचिका खारिज कर दी है। दरअसल ईडी ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में दाखिल अपने आरोप पत्र में कई बार अरविंद केजरीवाल के नाम का उल्लेख किया है और कहा है कि आरोपी दिल्ली अबकारी नीति 2021-22 को तैयार करने और लागू करने के संबंध में आम आदमी पार्टी नेता के संपर्क में थे। हालांकि बाद में अबकारी नीति रद्द कर दी गई। सूत्रों की माने तो मामले में इस महीने की शुरुआत में गिरफ्तार किए गए आप सांसद संजय सिंह से पूछताछ के आधार पर कुछ नए खुलासे हुए हैं। सूत्रों ने कहा कि अरविंद केजरीवाल से नए सुरागों पर स्पष्टीकरण मांगा जाएगा, यही वजह है उन्हें पूछताछ के लिए यहां पर बुलाया गया है। इससे पहले 16 अप्रैल को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से CBI यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो ने मामले में 9 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी। दिल्ली शराब घोटाले केस से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के 2 दिग्गज नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह अभी सलाखों के पीछे हैं और अब जांच की आंच अरविंद केजरीवाल तक पहुंच गई और उनको 2 नवंबर को ईडी के सामने पेश होना है।